रांची का ये योगदा सत्संग मठ 100 साल पुराना है और हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पर एक 100 साल पुरानी लीची का पेड़ है। यहीं से परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग, ध्यान और अध्यात्म की शुरुआत की थी। रांची रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित ये योगदा सत्संग मठ काफी पुराना है और यहाँ पर आज भी उतनी ही हरियाली है जो 100 साल पहले रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो सड़कों पर चलने वाली वाहनों की आवाज सुनाई देती है और ना ही रेल की छुक छुक और रेल की जो हॉर्न होते हैं उसके भी आवाज सुनाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतनी हरियाली और इतनी हरियाली होने के बाद यहाँ पर जो अध्यात्म का एक माहौल है, ध्यान का माहौल है, योग का माहौल है, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और योगदा सत्संग मठ में सालों भर इसी तरह से हरियाली रहती है और लोगों की आवाजाही यहाँ लगी रहती है। लोग ध्यान और अध्यात्म के लिए यहाँ क्रिया योग के लिए हमेशा देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं, इसलिए इस संस्थान का बहुत ही बड़ा योगदान क्रिया योग और योग को देश और दुनिया में पहुंचाने में रहा है। रांची के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित हरियाली और पूरी तरह प्रकृति की गोद में नजर आता ये है योगदा सत्संग मठ। 1917 में श्री श्री परमहंस योगानंद ने इसकी शुरुआत की। यहीं से उन्होंने क्रिया योग का उपदेश दिया और फिर पूरे देश और दुनिया में उसका प्रचार प्रसार किया। परमहंस योगानंद के मुताबिक क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके जरिए जीवन को बेहतर तरीके से सजाया और संवारा जा सकता है। इस आश्रम में सैकड़ों लोग हर रोज इस विधा से रूबरू होते हैं और ये परंपरा पिछली शताब्दी से चली आ रही है। क्रिया योग क्या है ये समझने के लिए हमने पिछले 30 सालों से योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़े स्वामी ईश्वरानंद गिरी से बात की। स्वामी ईश्वरानंद गिरी योगदा सत्संग सोसाइटी के महासचिव हैं। शुरुआत में ये डॉक्टर थे, अब संन्यास ग्रहण कर योग की बारीकियों से खास और आम जन को लाभान्वित करने में लगे हैं। ये क्रिया योग जो है एक जीवन प्रणाली है, जीवन जीने की एक विधि है, जिसमें जिसका आधार पतंजलि राजयोग पर है, अष्टांग योग योग के पर आधारित है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सब आते हैं। इसका जो आधार है वो है मेडिटेशन यानी ध्यान, और ध्यान में की जाने वाली विज्ञान सदृश प्रक्रियाएं। वर्तमान समय में मनुष्य के पास आवश्यकता और विलासिता की हर चीज उपलब्ध है, मगर नहीं है तो चैन, सुकून, मन की शांति और अच्छा स्वास्थ्य, इन चीजों को तलाशने के लिए लोग भटक रहे हैं। मौजूदा समय में एक चीज जो लोगों को असीम शांति और आध्यात्म के नजदीक ला रही है वो है योग। योग मतलब शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने का हुनर। झारखंड की राजधानी रांची में योगदा सत्संग आश्रम पिछले 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से योग की अलख जगा रहा है, जिससे न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है। योग इसमें क्या भूमिका अदा कर सकता है ये भी हमने ईश्वरानंद गिरी से जाना। जो योग विज्ञान है उसकी उसका जो एक अहम पहलू है वो है शरीर को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना। लेकिन योग का जो स्वरूप है, योग की जो यूजफुलनेस है, वो केवल शारीरिक स्वस्थ तक सीमित नहीं है, वहीं समाप्त नहीं हो जाता है। योग के अभ्यास से ना केवल शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन शरीर के पीछे स्वस्थ रखने वाला जो तत्व है मन, उसको भी स्वस्थ करता है, और उसके भी पीछे जो अदृश्य तत्व है आत्मा, उसका भी हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो तीनों स्तरों पर, तीनों पहलुओं का विकास हम कर सकते हैं योग विज्ञान द्वारा, अपनी आत्मा का, अपने मन का और अपने शरीर का स्वास्थ्य का। दुनिया भर में क्रिया योग के प्रचार प्रसार में श्री श्री परमहंस योगानंद का खास योगदान रहा है। अगर आप 100 विदेशी लोगों से योग पर बात करें
तो उनमें से 99 ऐसे लोग आपको जरूर मिल जाएंगे जो योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से परिचित नजर आएंगे। 50 से भी ज्यादा भाषाओं में इस पुस्तक का रूपांतरण किया गया है। इस पुस्तक का सारांश क्या है और इसमें क्या कुछ खास है, ये हमने जाना ईश्वरानंद गिरी से। ये पुस्तक है योगी कथामृत। ये इसका जो मूल है वो अंग्रेजी में है, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी। और इस पुस्तक का करीब 50 भाषाओं में अभी अनुवाद हो चुका है और 13 मुख्य भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। तो ये पुस्तक क्यों इतना लोकप्रिय है, इसके लिए आप जब पढ़ के देखेंगे तो ही समझेंगे। लेकिन अगर संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि इस पुस्तक में एक योगी ने अपने जीवन के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, और ये उन लोगों के लिखा है जो योगी बनना चाहते हैं, और इसमें योग के बारे में बताया जाता है। तो ये जो पुस्तक है, दिस इज बाय ए योगी, अबाउट योगा फॉर योगीज। हाँ, आराम से संभाल के। हाँ, देख रहे हो इरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक। बैंक? वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga and the champion inside me. If your mind is racing, how can you slow down? Breathe. I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. I have breathed out the noise. The Himalayas, the Ganges. I have breathed in their calm. Yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. क्या पता था पहली कश जिंदगी खत्म करके ही मानेगी। अब तो लगता है दोस्त की शक्ल में यमराज थे। नशा मुझे खा गया और मैं अपने परिवार को। कहानी आपकी है, अंजाम भी आपको चुनना है। हम इस सुंदर आश्रम में हैं जो अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है। योगदा सत्संग मठ के मुख्य भवन की ये तस्वीरें हैं जिसमें परमहंस योगानंद जी की स्मृतियों को संजो कर रखा गया है और इसे एक म्यूजियम का शक्ल भी दिया गया है। योगदा सत्संग मठ का ये जो बिल्डिंग है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और इस मठ की जो बिल्डिंग है इसी में
स्वामी परमहंस योगानंद जी की, जो हम कह सकते हैं कि उनका कमरा था वो यहीं पर है, मातृ मंदिर यहीं पर है। और ये हम देख सकते हैं कि कमरा का ये पहले का हिस्सा है, तो यहाँ पर उनकी तस्वीरें जगह जगह पर लगी हुई हैं। उनके जो विभिन्न स्टेज की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जब वो शुरुआती दौर में जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी योग की, अध्यात्म की और ध्यान की, वो तस्वीरें हैं। बाद में जब वो विदेश गए वो उस दौर की तस्वीरें हैं। तो सारे फेजेस को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जो योग और क्रिया योग को जो समझने का प्रयास करते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहीं पर मातृ मंदिर और उनका जो गुरुजी का कमरा है वहाँ पर लोग जाकर भी ध्यान करते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं। जैसा कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जब वो उस कमरे में जाते हैं और इस मातृ मंदिर में पहुँचते हैं तो सारी चिंताएँ उनकी दूर हो जाती है। इस योगदा सत्संग मठ में मुख्य भवन के साथ साथ मातृ मंदिर, स्मृति मंदिर और लीची वेदी के अलावा मेडिटेशन गार्डन और एक ध्यान और योग केंद्र भी हैं, जहां लोग योग के साथ ध्यान भी करते नजर आते हैं। हमने इस मठ के महत्व को जानने का प्रयास किया और स्वामी ईश्वरानंद गिरी से ये भी जाना कि आखिर परमहंस योगानंद जी ने रांची को ही इस आश्रम के लिए क्यों चुना। 1917 में इस संस्था की जब से शुरुआत हुई तब से आज 100 से भी अधिक साल पूरे हुए हैं, और इन 100 सालों में योगदा सत्संग सोसाइटी और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय जो रूप है जिसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा परमहंस योगानंद जी की जो योग की शिक्षा है उनका पूरे विश्व में प्रसार हुआ है। आप ये समझिए कि जब 1920 में परमहंस योगानंद जी पहली बार अमेरिका गए थे तब शायद ही कोई योग के बारे में जानता था, और योग क्या है, योग शब्द क्या है, योग विज्ञान क्या है, इसके बारे में पाश्चात्य देशों में कोई जानकारी नहीं थी। मौजूदा समय में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमने स्वामी जी का नजरिया जाना। एक अच्छा संयोग है, और अगर दूसरी तरह से कहें, परमहंस जी कहते थे कि कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ एक ईश्वरीय योजना के अनुसार होता है। देखिए, जो योग का जो संदेश, खासकर क्रिया योग का जो संदेश रांची से शुरू हुआ, मैं तो ये मानता हूँ कि उसी का ये नतीजा रहा, उसी का ये फल रहा कि योग दिवस पूरे विश्व ने स्वीकार किया और एक 21 जून को योग दिवस के रूप में उसे निर्धारित किया गया। और अब प्रधानमंत्री जी 100 साल होने के बाद यहाँ पर आकर इसे मना रहे हैं, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है। 21वीं सदी में हमारे पास हर कुछ उपलब्ध है, मगर मन की शांति और निरोगी काया के लिए हर कोई तड़प रहा है। ये तड़पन कई को बीमार बना रही है तो कई को हताश निराश। असीम शांति, बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्म की तलाश लगभग हर किसी को है। ऐसे समय में दुनिया भर के लोग प्राचीन भारतीय प्राकृतिक पद्धति योग के सानिध्य और शरण में वापस लौट रहे हैं। योग शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने का हुनर है, जिसको सीखकर तथा अपनाकर बड़े से बड़े रोग और परेशानियों को चुटकी में परास्त किया जा सकता है। योग का सफल प्रयोग करने वाले हजारों लाखों लोग इसके साक्षी हैं। मेरा माइंड बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता था पहले, ये मेरी प्रॉब्लम थी एक, जो मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, पर कुछ 10 साल का फेज आया जब थोड़ी काफी प्रॉब्लम आई। पर अब यहाँ के मतलब इंट्यूशन अभी इतनी डेवलप भी नहीं हुई है, अभी तो मैं मतलब क्रियाबंद भी नहीं हूँ, पर लगता है कि हाँ यही रास्ता है। और मतलब
समझ आ गई है, क्योंकि अटेंशन और फोकस कंसंट्रेशन ये करने से और भी चीज़ें काफ़ी सुखद हो रही हैं। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम से लिमिटेड नहीं है, योग का मतलब है योग को हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में लेके आना, ताकि उससे हमारा शारीरिक, आत्मिक और मानसिक जो है विकास हो सके। योग का असली मायने वही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में आज योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से योग को एक नई पहचान मिली है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन योग आज दुनिया को एक सूत्र में बांध रहा है। कई विदेशी भी दीक्षा लेकर योग साधना में पारंगत हो चुके हैं। मूल रूप से आयरलैंड वासिंदे और अमेरिका में निवास करने वाले स्वामी गोविंदानंद गिरी पिछले 30-35 सालों से योग साधना में लगे हैं। उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि वो श्री श्री परमहंस योगानंद जी की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा से प्रभावित होकर योग तथा योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़े। Originally, I came from Ireland, but I have been living in Los Angeles for the last 20-25 years. Paramahansa Yogananda explained that yoga is union with God, union with God. And God is not just some distant figure that's in some corner of the cosmos, but He is right within us, and He is right within every one of us. And what yoga does, and particularly what yoga meditation does, is allow us to realize that as a truth, something we feel very real, very, very personal, very, very precious. And we realize that if this is in me, and it is, it must be in everybody. And so what yoga does actually is it helps people to see that we're all one on a very deep and fundamental level. स्वामी गोविंदानंद गिरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आयरलैंड और अमेरिका में योग बेहद पसंदीदा टॉपिक बन चुका है और लोग तेजी से प्राचीन भारतीय दर्शन योग से जुड़ रहे हैं। स्वामी गोविंदानंद गिरी ने योग को अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। Well, of course, it was Prime Minister Modi that introduced the resolution into the United Nations, and so he has done a great service to the world for this. You know, he practices yoga himself, and I think people see that and believe that this is something that they can get behind, that this is something that is very normal, that even somebody that's a prime minister of a nation of, what is it now, 1.3 billion, I can't keep up with it. If somebody like that can find time for yoga in their busy life, then surely everybody can. And so it's his example that I think people see and realize that they can follow, they can bring God into their lives. Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga and the champion inside me. If your mind is racing, how can you slow down, breathe? I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. I have breathed out the noise. The Himalayas, the Ganges. I have breathed in their calm. Yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. क्या पता था पहली कश जिंदगी खत्म करके ही मानेगी। अब तो लगता है दोस्त की शक्ल में यमराज थे।
नशा मुझे खा गया और मैं अपने परिवार को। कहानी आपकी है, अंजाम भी आपको चुनना है। आज के समय में श्री श्री परमहंस योगानंद के देश दुनिया में हजारों भक्त हैं, जो योगदा सत्संग सोसाइटी के रांची स्थित योगदा सत्संग आश्रम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से पहुंचते हैं। बाग बगीचा और हरे भरे पौधों से आच्छादित आश्रम परिसर में असीम शांति का अनुभव होता है, जो आगंतुकों के कष्ट को हर लेता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, और एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज स्पेशली, उससे हमेशा बॉडी एकदम हेल्दी फील होती है कि अंदर से कि मैं बहुत हेल्दी हूँ अंदर से। बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट थिंग, वन बिकम्स वेरी पीसफुल, वन बिकम्स सैटिस्फाइड। द आउटर वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ कॉम्पिटिशन डज नॉट मैटर, इवन इफ यू डोंट गेट समथिंग इट्स ओके, दैट्स हाउ वी सी इट। एंड हाउ पीपल बिहेव डजंट मैटर, how we react to that matters. योग भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरवमयी हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत सदियों तक विश्व गुरु कहलाता रहा। अब समय है उस धरोहर को दुनिया के सामने फिर से स्थापित करने की, ताकि मानव कल्याण की सर्वसुलभ प्राकृतिक पद्धति सबको निरोगी और ऊर्जावान बनाने में एक बार फिर से अपना जलवा दिखा सके। हमारी ये बातचीत योग, अध्यात्म और ध्यान को लेकर हो रही है, और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं ईश्वरानंद गिरी जी। उनके भी अपने अनुभव हैं, हम उनके अनुभव थोड़े से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर योग को लेकर उनका क्या अनुभव रहा है और क्यों इस संस्थान से वो पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी अनुभव हैं, और ना केवल मेरे लेकिन जो कोई भी क्रिया योग का अभ्यास करेगा उसके अपने अनुभव अवश्य रहेंगे, क्योंकि ये जो क्रिया योग मार्ग है ये केवल किताबी ज्ञान का मार्ग नहीं है, ये अनुभव और अभ्यास का मार्ग है। तो जहाँ तक ये मेरा अनुभव रहा है वो ये कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो आप ये समझिए कि मैंने मेडिकल कॉलेज में एंट्री ली और योग के कॉलेज में भी मैंने उसी समय पे एंट्री ली। तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने ध्यान भी शुरू किया। अब आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई काफ़ी होती है, उसके साथ साथ ध्यान के लिए समय निकालना, तो शुरू में मुझे ये लगता था कि क्या ये संभव है। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि आधा घंटा एक घंटा सुबह शाम जो मैं ध्यान में देता था उससे मेरा मन इतना फोकस्ड हो जाता था और उसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर इतनी बढ़ जाती थी कि मैं कम समय में और अधिक पढ़ाई कर पाता था। तो 5 साल जो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब मैंने ध्यान ना किया हो। तो और उसमें ध्यान का समय निकाल पाना और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाना और साथ में मन हमेशा हमेशा शांति और एक विशेष प्रकार के आनंद से भरा रहता था और एक तृप्ति बनी रहती थी कि मेरे जीवन में सब कुछ सही है। तो एक तृप्ति भी होती थी। और अभी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से हम पिछले 5 सालों से मना रहे हैं, तब से एक कह सकते हैं कि क्रेज, योग के प्रति क्रेज बढ़ा है, इसमें क्या लगता है मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल रहा है। देखिए, चाहे पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया है लेकिन इसके जो प्रणेता रहे, जो एक्चुअली प्रपोजल जिन्होंने दिया वे भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही दिया, और ये उनका मैं तो कहूँगा कि राजनीति में चाहे जो भी योगदान रहा उनका, उससे भी बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दे दिया। तो ये उनका, और ये कई वर्षों तक ये उनके हम कह सकते हैं उनके करियर का एक हाईलाइट माना जाएगा।
करियर का उनका हाईलाइट माना जाएगा, क्योंकि प्राचीन जो हमारी परंपरा है, योग है हमारी प्राचीन परंपरा, और उसको बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि योग जो विज्ञान है ये भारत का धन है जो भारत ने पूरे संसार के साथ बांटा है। जब इस विरासत से, इस विज्ञान से पूरा संसार लाभान्वित हो रहा है तो हम भारतवासियों को तो इसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें जो याद रखनी है वो ये कि योग से लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसका हम दैनिक रूप से अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल साल में जब एक दिन जब योग दिवस आता है तो केवल हमने योग के बारे में चर्चा कर ली और फिर बाकी पूरा साल हम उसके बारे में भूल गए। उससे योग से लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा कि इस ज्ञान के बारे में, इस विज्ञान के बारे में समझें और इसे अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उतारें और इसका लाभ प्राप्त करें। तो इसका अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। योग हर रोज की प्रक्रिया है, इसे अपने दिनचर्या में आप शामिल करें। तभी जब हम बात करते हैं योग, ध्यान और अध्यात्म की, और उससे जो हमारे जीवन का जो जीवनचर्या जो हम कह सकते हैं, दिनचर्या जो हमारा है, तभी सुधरेगा जब हम इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसको मन से स्वीकार करेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे। और जो हम कहते हैं कि आज के समय में फिटनेस एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है, वैसे में योग की बहुत ही बड़ी भूमिका है। और हमारी योग पर जो ये खास पेशकश थी, इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि योगदा सत्संग मठ किस तरह से योग को बढ़ावा देने में जुड़ा हुआ है और योग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से सामान्य है और इसे हर कोई अपना सकता है। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।